Good morning, children. Hope you all are fit and fine, and you all are studying and doing well and completing your work of your different subjects in your different notebooks and doing self-study as well, which is very important for everyone, children. If you are there staying at home, you have to do self-study apart from your online classes, okay? So children, today I will start chapter 9 of your English coursework, which is a play. You can say a drama. What is a play? Play is a kind of drama in which each role is played by a character, different characters. There's a different character to play different role. Okay? So chapter 9, what color is that creature? Okay, the title of the chapter is What Color Is That Creature? The creature, you know, creature is an animal or a distinct from human being. Human being se alag hote hai, non-human being hote hai. Okay, so character kaun kaun hai? Let's see. Rajaram, a doctor's assistant. Shyamlal, a stable keeper, you know, stable. A building in which horses are kept. Jahan hum horse ko rakhte hai. Okay. Then Bahadur, a honey seller. The hermit. Now we'll say hermit. The hermit is a religious person who lives far from other people. जो दूसरे लोगों से दूर रहता है, कभी कोई जंगल में रहते हैं, तो एक religious person होते हैं, ठीक है? जो दूसरे लोगों से दूर रह करके अकेले में रहना पसंद करते हैं. So hermit. An old hermit who lived in the forest. Jo forest mein rehta tha. Scene 1. Pehli scene mein we will see. In scene 1 what happened. A village square. There is a neem tree with a platform around it for people to sit down. Wahan pe neem ki tree thi. Neem ka ek ped tha. Uske kinare kinare platform bani hoti hai na. Wo platform bani hui thi jahan pe log aake baitha karte the. Rajaram and Shyamlal are in a friendly chat. वो दोनों बैठ करके आराम से बात कर रहे थे. कहाँ पे? वो नीम के पेड़ में जो प्लेटफॉर्म थी, a tree with a platform, वहीं पे आके वो बैठ के अपनी कुछ गॉसिपिंग कर रहे थे. Rajaram, where is your friend Bahadur today? I hope the spirits of the woods haven't eaten him up. Rajaram Shyamlal से पूछता है, तुम्हारा friend Bahadur जो honey seller है, वो कहाँ है? मुझे तो डर है क्या वो वहां पे जो वुड्स जंगलों में जो स्पिरिट्स होते हैं क्या उन्हें खा तो नहीं गए. श्यामलाल और अ बियर बिकॉज ही स्टील्स ऑल द हनी. हा 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 बोथ लाफ्स. बहादुर एंटर्स. तो श्यामलाल कहता है या फिर बियर उन्हें खा गया होगा भालू क्योंकि वो हनी मतलब हनी को चोरी करते बिकॉज ही वॉज अ हनी सेलर. तो हो सकता है. और दोनों हंसने लगते हैं. बहादुर उतने ही देर में बहादुर एंटर करता है. बहादुर सॉरी फ्रेंड्स आई गॉट लेट. आई हैड टू टेक अ लॉन्गर रूट टू गेट बैक फ्रॉम द फॉरेस्ट. देयर वाज अ हर्ड ऑफ एलिफेंट्स ऑन माय वे. यू नो हाउ डेंजरस दे आर. उतने ही देर में ये लोग दोनों गॉसिपिंग कर रहे हैं. उतने ही देर में इन लोगों की चैट चल रही है. बहादुर एंटर करता है. बोलते सॉरी फ्रेंड्स मुझे आने में थोड़ी लेट हो गई क्योंकि मुझे लंबा रास्ता लेकर के आना पड़ा क्योंकि जिस रास्ते से मैं आता था उधर बहुत सारे हर्ड ऑफ एलिफेंट मीन्स बहुत हाथियों की झुंड उस रास्ते से आ रही थी. तुम तो जानते हो ये कितने डेंजरस एनिमल होते हैं. राजाराम वेल वी वर टॉकिंग अबाउट योर एडवेंचर्स इन द वुड्स. हा हा राजाराम एंड श्यामलाम लाफ अगेन. तो राजाराम कहता है अरे हम तो बात कर रहे थे कि तुम जंगल में तुम क्या क्या अब तुम्हारी कैसी जिंदगी चल रही है तुम क्या क्या एडवेंचर्स चीजें वहां कर रहे हो. और दोनों फिर बोल करके हंसने लगते हैं. राजाराम एंड श्यामलाल. बहादुर आई सॉ अ स्ट्रेंज क्रिएचर टुडे ऑन द बनियन ट्री नियर द ग्रेट बफेलो लेक इन द फॉरेस्ट. इट वॉज स्टिल लाइक अ स्टोन. इट लुक सो फ्राइटनिंग. इट वॉज ब्लड रेड इन कलर. तो बहादुर बोलता है आज मैंने बहुत ही स्ट्रेंज क्रिएचर देखा है बनियान ट्री के नजदीक में. वहां पे एक उस जंगल के आसपास कोई एक बफेलो लेक होगा. तो बहादुर कहता है बफेलो लोग जो फॉरेस्ट में हैं उसके नजदीक में बनियान ट्री था वहां पे मैंने बहुत एक अलग टाइप का क्रिएचर देखा है. वो एक पत्थर की तरह लग रहा था. इट वॉज स्टिल लाइक अ स्टोन. अब वो इतना डरावना था और वो ब्लड रेड कलर का था.
तो श्यामलाल, ओह यस, आई नो अबाउट दिस क्रिएचर. लास्ट वीक वन ऑफ माई मास्टर्स हॉर्सेज हैड गॉन मिसिंग. आई वेंट टू द बफेलो लेक लुकिंग फॉर इट. देयर आई सॉ दिस स्ट्रेंज क्रिएचर, बट इट वॉज ग्रीन नॉट रेड एज यू सेड. तो इतना ही में श्यामलाल सुनते सुनते कहता है, अरे अच्छा, ये क्रिएचर के बारे में मैं भी जानता हूँ. पिछले हफ्ते की बात है, मेरे मास्टर्स का एक घोड़ा मिस कर रहा था, मिल नहीं रहा था. जिसे खोजते खोजते मैं बफेलो लेक के पास गया, तो वहां पे मैंने भी एक स्ट्रेंज क्रिएचर देखा. लेकिन जैसा तुम बोल रहे हो रेड कलर का, वो रेड कलर का नहीं, वो ग्रीन कलर का था. तो चिल्ड्रन, विल टुडे आई विल स्टॉप इट हियर. आपको स्टोरी ये प्ले इंटरेस्टिंग लग रही है? यस, वेरी इंटरेस्टिंग. आगे हम लोग कल देखेंगे होता क्या है. ओके, थैंक यू.